फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों के बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद जो है आपको अपने बगिया की सैर करा रही हूँ। ये मेरी बगिया में ब्रोकली लगी है और ये मैंने नवंबर स्टार्टिंग में लगा दी थी। अब आप ये देखिए, अब बस इनमें ब्रोकली लगने ही वाली है। और ये देखिए, ये मटर देखिए मेरी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा मटर की भी हार्वेस्टिंग की जाए। ये देखिए, ये कस्तूरी मेथी है फ्रेंड, तो आप देखिए कितनी अच्छी जो है मेरी कस्तूरी मेथी हो रही है। और जो है थोड़ा सा मैं इस समय गार्डनिंग में ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी अपने घर की दो दो शादियां थी, तो पूरा टाइम जो है मेरा उन्हीं में चला गया। और थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे मेरी बागवानी के लिए। देखिए आप, ये मेरे मटर है ना, तो ये जो है देखिए आप, और ये मेरी राई, और ये मेरे टमाटर। टमाटर मेरी छत में जो है इनफ क्वांटिटी में टमाटर लगे हैं। अभी मैं आपको सारे गार्डन के सैर कराती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी मूली है। मूली जो है मैंने कंटेनर में उगाई है, आप ये देखिए, मैंने कई बार जो है हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये मेरी नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम की मूली है, यहाँ पे देखिए है ना। ये देखिए, ये मेरा जो है पेंट का कंटेनर है और इसमें जो है मैंने ये मूली उगाई है। ये देखिए, ये है अपने घर की फ्रेश और ताज़ी मूलियाँ। तो इस टाइप से मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया वो सारा मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये अरबी है, अरबी पुरानी हो गई लेकिन फिर भी ये चल रही है। कट्टे में मैंने लगाई है, ये देखिए आप, ये मेरा कट्टे में लगा हुआ जो है मेरा टमाटर का पौधा है। इसमें आप ये देखिए कितने भर भर के टमाटर आए हैं और सारे कितने अच्छे से रेड हो रहे हैं बिना किसी केमिकल के। तो ये जो है फ्रेंड, ये उपलब्धि है हमारी अपने टेरेस गार्डनिंग की, कि बिना किसी केमिकल के जो हमें इतने फ्रेश फ्रूट मिलते हैं। आप ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, आराम से जो है एक बारी में आपको आधा किलो टमाटर जो है अपनी टेरेस गार्डन से मैं निकाल लेती हूँ। तो इस टाइप से जो है फ्रेंड, अपने घर में जब आपको फ्रेश चीज़ें मिल रही हों तो कितना अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी अदरक है, बस ये लगभग निकालने के लिए तैयार हो चुकी है, अच्छे से जो ये बढ़ रही है ना। ये राई है, राई में जो है फूल आ गए, मुझे दोबारा से उसको बोना है। और ये मेरी बैंगन है, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब देखिए, थोड़ा सा पाले के कारण जो ये सूख गई है। और ये देखिए, एक ये मेरी बैंगन है, इस पर थोड़े बहुत छोटे बैंगन लगते थे पहले, लेकिन अब जो है इस पर इतने बड़े बड़े बैंगन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। आज मैं काफ़ी टाइम बाद जो है टेरेस पर आई हूँ और मुझे ये दिखे तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मेरी पालक है, पालक पे भी लगभग फूल आने लग गए हैं। ये हरी मिर्चे हैं, आप ये देखिए, ये मेरे यहाँ बच्चे रहते हैं तो वो जो है अपना आप निकाल निकाल करके खा लेते हैं हरी मिर्चे तो। और बाकी ये मेरी फ्लावर हैं, ये देखिए, ये मेरे मटर हैं, मटर। ये मेरी हल्दी है, अब बस ये हल्दी भी मैं निकालने वाली हूँ। अगर नहीं भी निकालूँगी तो मैं नेक्स्ट ईयर निकालूँगी इसको,
ताकि और अच्छी जो है मेरे को इसकी फसल मिले। और ये मेरी अदरक, ये अगेन मेरी ब्रोकली, उसमें ब्रोकली लगने लगी है, इसको थोड़ा सा जो है, ये है ये भी ब्रोकली, देखिए आप, बस अब लगने वाली है इसमें भी ब्रोकली। और ये पहाड़ी पालक है, पहाड़ी पालक इस टाइप से लग रही है। और जो है ये है मेरे मटर हैं, बस थोड़ा सा वही है फ्रेंड, बहुत ध्यान देने, बहुत केयर करनी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं सब्जियां मिलती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। लहसुन है, ये देखिए सारी लहसुन लग रही है, मैंने कुछ गेंदे के पौध डाल दिए थे, अच्छे वाले हाइब्रिड पौध है, तो ये भी अब मैं लगाऊंगी इनको भी गमले में। तो बस, तो देखिए आज मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया अपनी क्यारी से, अपनी टेरेस गार्डन से, इतना सारा मैंने टमाटर इनफ क्वांटिटी में जो है मेरा टमाटर हो जा रहे हैं, बैंगन है, बैंगन अच्छे से हो जा रहे हैं, थोड़े से मटर मैंने निकाले हैं और साथ में मैंने मूली हार्वेस्ट की है। तो ये सब बेनिफिट फ्रेंड आपको अपने आप अपने टेरेस गार्डन से ले सकते हैं। अपने टेरेस पे अगर आप सब्जियों के शौकीन हैं और अपने चाहते हैं अपने घर की फ्रेश सब्जियां मुझे मिले, हमें मिले, तो आप अपने टेरेस पे जो है इस तरीके से क्यारी बना करके या कंटेनर्स में या खाली कट्टों में जो है आप गार्डनिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।